वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी छात्रों का। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आप सब आते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में आपको पढ़ाया था फैक्टर की तरह से, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, एक वचन किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को, जो एक वचन हो किसी व्यक्ति हो वस्तु हो, किसी एक व्यक्ति का नाम, माता पिता, सूर्य चंद्र भगवान, ये सारे एक वचन होते हैं। इसके अलावा ही सी इट। बहुवचन की बात करें तो आई वी यू दे, मैं, हम, तुम, वे, लड़के, लड़कियां, बच्चे, खिलाड़ी आदि बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। रूट्स देखिए इसका क्या कह रहा है कि एक वचन कर्ताओं के साथ इज, एक वचन कर्ताओं के साथ इज, तथा बहुवचन कर्ताओं, बहुवचन कर्ताओं आई मीन्स क्या होता है, मैं के साथ एम, तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं, इन सब में क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। ध्यान देंगे कि एक वचन कर्ताओं के साथ इज, अगर एक वचन कर्ता होगा तो इज, बहुवचन कर्ताओं आई, मे के साथ एम, तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इन सभी में क्रिया की पहले स्थान में आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम गीत गा रहा है, हम पाठ पढ़ा रहे हैं। ध्यान देंगे, राम गीत गा रहा है, राम एक वचन है, तो क्या है, एक वचन कर्ता के साथ इज, राम इज, राम गीत गा रहा है, राम इज सिंग, और क्रिया की पहली अवस्था में सभी के साथ क्या जुड़ेगी, आईएनजी, राम इज सिंगिंग द सॉन्ग। हम पाठ पढ़ा रहे हैं, हम की अंग्रेजी क्या होगी, हम बहुवचन है इसलिए हम की अंग्रेजी में वी। क्या नियम कहना है, आई के साथ एम, अगर मैं होता हूं मैं उसे पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग हिम, अगर हम पाठ पढ़ा रहे हैं तो हम अन्य कर्ताओं के अंतर्गत इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, वी आर पढ़ाना की क्या होगी, टीच, आई जी जुड़ेगा टीचिंग लेसन, वी आर टीचिंग लेसन। अब आप लोगों को इसका पढ़ाने का नकारात्मक निगेटिव क्या है, ध्यान देंगे, निगेटिव रूल देखिए, निगेटिव इस होता है नकारात्मक, पहला साधारण फिर नकारात्मक, ध्यान देंगे, दूसरा रूल है कि एक वचन नकारात्मक में इज नॉट, तथा बहुवचन नकारात्मक आई मैं के साथ एम नॉट, तथा अन्य कर्ताओं के साथ करता हूं के साथ आर नाम का प्रयोग करते हैं।
दिया कि पहली अवस्था में आईजी लगाते ध्यान देंगे नकारात्मक रूप को कि एक वचन नकारात्मक में यदि एक वचन है नकारात्मक है तो इज नॉट तथा बहुवचन नकारात्मक आई मैन के साथ एल नॉट तथा अनिकर्ताओं के साथ अनिकर्ता का मतलब हुआ लड़के लड़कियां बच्चे खिलाड़ी हम तुम वे इनके साथ आर नॉट का प्रयोग करेंगे और क्रिया की पहली अवस्था में आईजी लगाएंगे। उदाहरण देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है कि हम ये नहीं का रहे हैं राम पाठ नहीं पढ़ा रहा है ध्यान देंगे हम गीत नहीं गा रहे हैं हम कितने वचन है बहुवचन तो क्या है बहुवचन कर्ताओं के साथ आर नॉट का प्रयोग होगा अगर हम की जगह पे मैं होता तो एम नॉट हम गीत नहीं गा रहे हैं हम की अंग्रेजी होगी वी हम की अंग्रेजी होगी वी वी आर नॉट हम गीत नहीं गा रहे वी आर नॉट गाना की क्या होगी सिंग आई एन जी जुड़ेगी तो क्या होगा सिंगिंग द सॉन्ग हम गीत नहीं गा रहे हैं राम पाठ नहीं पढ़ा रहा राम कितने वचन है एक वचन कर्ताओं के साथ इज नॉट का उपयोग करते हैं क्या होगा राम इज नॉट राम पाठ नहीं पढ़ा राम इज नॉट पढ़ाना की क्या है टीच टीचिंग पाठ की जैसा ध्यान देंगे एक वचन नकारात्मक में इज नॉट तथा बहुवचन नकारात्मक आई में के साथ एम नॉट तथा अन्य कर्ताओं के साथ आर नॉट का प्रयोग करते हैं सभी के साथ क्रिया की पहले स्थान में आईएनजी लगाते हैं हम गीत नहीं गा रहे हैं वी आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग राम पाठ नहीं पढ़ा रहा है राम इज नॉट टीचिंग द सॉन्ग अब आप लोगों को पढ़ाएंगे इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव क्या होता है प्रश्नवाचक अब एक वचन प्रश्नवाचक तथा बहुवचन प्रश्नवाचक का नियम क्या है ये देखिए अब देखिए प्रश्नवाचक क्या है प्रश्नवाचक क्या है यदि कोई वाक्य एक वचन प्रश्नवाचक हो तो इज तथा बहुवचन प्रश्न बहुवचन प्रश्नवाचक ने बहुवचन प्रश्नवाचक में आई आई में स्वतः ने के साथ एम तथा आई में के साथ एम तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग पहले करते हैं क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते एग्जाम्पल एक चीज ध्यान देंगे प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं प्रथम प्रकार के प्रश्नवाचक वह वाक्य होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं सहायक क्रिया से जिसमें वाक्य में क्या शब्द पहले आता है दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जो प्रश्नवाचक सबसे प्रश्नवाचक होते हैं जैसे कब क्यों कहां कैसे वाक्य बीच में होता है वो प्रश्नवाचक सबसे प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं ध्यान देंगे
यदि कोई वाक्य एक वचन प्रश्नवाचक हो तो इस तथा बहुवचन प्रश्नवाचक हो तो आई के साथ एम तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग पहले करते हैं और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। जैसे क्या राम गीत गा रहा है, प्रश्नवाचक क्या मैं पाठ पढ़ा रहा हूं, प्रश्नवाचक क्या लड़के मैच खेल रहे हैं, प्रश्नवाचक क्या राम गीत गा रहा है, क्या राम गीत गा रहा है, क्या राम गीत गा रहा है, क्या मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ, क्या लड़के मैच खेल रहे हैं, क्या राम गीत गा रहा है। राम एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग पहले होगा तो क्या होगा, इज राम गीत गा रहा है, सिंग आईएनजी जुड़ेगी, सिंगिंग द सॉन्ग, अब प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। क्या मैं पाठ पढ़ा रहा हूं, आई के साथ एम, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग करेंगे, क्या मैं पाठ पढ़ा रहा हूं, क्या होगा एम, आई टीचिंग लेसन, सोचिंग क्या लड़के मैच खेल रहे हैं, लड़के अन्य कर्ता के साथ हुआ, अन्य प्रश्नवाचक के साथ, तो क्या होगा आर, आर द बॉयज प्लेइंग द मैच, प्रश्नवाचक एक देखिए, क्या राम गीत गा रहा है, इस राम सिंगिंग द सॉन्ग, क्या मैं पाठ पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग लेसन, क्या लड़के मैच खेल रहे हैं, आर द बॉयज प्लेइंग द मैच। अब आप लोगों को एक बताएंगे कि दूसरी प्रकार का प्रश्नवाचक क्या होता है, उसका एग्जांपल दे रहे हैं कि मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, जिन वाक्यों के बीच में क्या क्यों कहां कैसे कब आए सबसे पहले अंग्रेजी उसकी लिखते हैं, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी, वाई अपनी जगह पे होगा, मैं आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो वाई एम प्रश्नवाचक के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी, और मैं के अंग्रेजी क्या होगी, आई, वाई एम आई, फिर क्या है पढ़ाने वर्ब, क्या है वर्ब, क्या है टीच, क्या होगा टीचिंग, टीच क्रिया की पहले स्थान आई लगेगी तो क्या होगा टीचिंग, किसे टीचिंग कर रहे हैं, तुम्हें टीचिंग यू, तो समाचार चलिए। आशा करते हैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अच्छी प्रकार के समझ में आ गया होगा, मिलते हैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सेम नीचे इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं, तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।